गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज संदीप कौर, योर सोशल साइंस टीचर. एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर लर्निंग अबाउट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. एंड इन आवर लास्ट टू वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अफ्रीका एंड आल्सो द सिचुएशंस विच कंपेल देम टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कि क्यों जरूरत है अपन कॉन्स्टिट्यूशन की. एंड आप जिमें पहले ही पढ़ चुके हैं अफ्रीका के बारे, और उन्होंने अफ्रीका की एग्जाम्पल न लैके ही जरा अगर फर्दर उन्होंने प्रोसीड किया है. देखो लिखा है जिमें कि क्या है कि साउथ अफ्रीका जिहड़ा एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, जिहदे तों आपां इह जाण सकदे हां कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की लोड़ है और कॉन्स्टिट्यूशन की करता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम की है और कॉन्स्टिट्यूशन की लोड़ क्यों है. ठीक है, उहदे विच की हैगा, सबनों आपां पहले डिस्कस किया होया, सबनों पता है कि वाइट पीपल्स जिहड़े हैगे ओह की हैगे ओप्रेसर हैगे, और ब्लैक पीपल्स जिहड़े ओह की हैगे ओप्रेस्ड हैगे. यानी कि जिहड़े जिहड़े दबाउण वाले सीगे, जिन्हां कोल शक्ति ओह कौन हैगे, वाइट पीपल्स, और जिहड़े ब्लैक पीपल्स सीगे ओह की हैगे, जिन्हां नूं दबाया जांदा हैगा, जिन्हां दा दमन कीता जांदा सीगा. ठीक है, सो इस कॉन्स्टिट्यूशन दे बण नाल की हुंदा है, दोनों मिलके रहन दे लई राजी हुंदे ने, और दोनों मिलके रहन दे लई प्लैनिंग बनाउंदे ने, रूल्स बनाउंदे ने. उन्हां रूल्स नूं कॉन्स्टिट्यूट कीता जांदा, लिखिया जांदा है रूल्स नूं, और उन्हूं की कहने आपां कॉन्स्टिट्यूशन कहने आ. ठीक है, सो उन्हां दा इकट्ठे रहना किवें पॉसीबल हो पाउंदा है, ब्लैक पीपल्स दा, वाइट पीपल्स दा, ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड दा किवें पॉसीबल हो, एक एग्रीमेंट किवें हो पाउंदा है उन्हां दे विच, कि जदों ओह इकट्ठा रहना चाहते हैं और इकट्ठा रहने के लिए की करते हैं, वह की करते हैं कि वह एक अपना नवा रूल्स लिख लेंगे, और जिन्होंने कि आप कहने कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये बेटा कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका बनना सीगा, दैन उत्थे दो तरह थिंकिंग सीगा. एक सी ब्लैक पीपल्स की सोच कि साड़ी जिहड़ी मजोरिटी है उन्हू यह ना होए कि मतलब मजोरिटी का रूल होना चाहिए, यह ना होए कि मतलब सानू फिर तो कोई भी किस तरीके के राइट्स ना मिल. सैकेंड ही वाइट पीपल से जो मनोरिटी में ही जो घट ही उन्होंने की फिक्र सीगा, उन्होंने येगा कि साड़ी जिहड़ी प्रॉपर्टी है, प्रिविलेज स्कीम द स्पैशल राइट्स. ठीक है, साडे जिहड़े स्पैशल राइट्स ने, साडी प्रॉपर्टी है, उन्हूं जिहड़ा है उन्हूं सेव किया जाए, और उहदे ते किसी भी तरीके नाल उह साडे कोलों ना खोई जाए. ठीक है, सो दोनों के अपने अपने मतलब मसले सीगे, दोनों के अपने अपने सवाल सीगे, अपने अपने थिंकिंग सीगे, मैटर्स सीगे. सो इन्हां नूं सॉल्व करन दे लई जिहड़ा है एक लंबा टाइम पीरियड जिहड़ी है नैगोसीएशनस. नैगोसीएशन की हुंदा, विचार वटांदरा होना, आपस विच सौदेबाजी एक तरीके की आपां कह सकदे हां होणी. सो नैगोसीएशनस जिहड़ियां दोनों पार्टीज विच होईआं, ब्लैक पीपल्स और वाइट पीपल्स दे विच एक एग्रीमेंट हुंदा है फाइनली एक लंबी नैगोसीएशन तों बाद विच. ठीक है, और इहदे अंडर जिहड़ा है उह दोनों दे दोनों जिहड़ियां पार्टीज ने, ब्लैक पीपल्स और वाइट पीपल्स, दोनों नूं सैटिस्फाई करन दी कोशिश कीती जांदी है. ब्लैक पीपल्स नूं की हैगा कि मजोरिटी रूल होए, और उन्हां नूं वन राइट सॉरी वन वोट और वन परसन जिहड़ा है उह मतलब उह रूल फॉलो कीता जांदा, यानी कि हर एक परसन दे कोल, चाहे वह ब्लैक है चाहे वह वाइट है, उन्हां सब दे कोल इक्वल राइट टू वोट होएगा, सब कोल एक ही वोट होएगी. इस तरीके नाल जिहड़ा मजोरिटी सी जिहड़ी पार्टी होएगी उसे दा ही रूल होएगा. सैकेंड साइड सीगी जिहड़े कि वाइट पीपल सीगे, उन्होंने भी यह पूरी तरह इंश्योर किया गया कि तुहाडी प्रॉपर्टी जिहड़ी है वह किसी तरीके ने वापस नहीं ली जाएगी, जिहड़ी प्रॉपर्टी तुहाडे कोल पहलां दी हैगी है वह तुहाडे कोल ही रहेगी. ठीक है, इहदे नाल जिहड़े पुअर सीगे, जिहड़े वर्कर सीगे उस टाइम ते, ठीक है, उन्होंने भी कुछ राइट्स जिहड़े हैगे, बेसिक राइट्स जिहड़े हैगे प्रोवाइड किए गए, और एक तरीके का कंप्रोमाइज जिहड़ा इन्हां दोनों ब्लैक एंड वाइट्स दे विच जिहड़ा हैगा वह इत्थे करन दी कोशिश की गई, और सक्सैसफुली उन्होंने हैंडल भी इन्हां कीता. ठीक है, सो ब्लैक पीपल्स नूं की कीता गया, वन परसन वन वोट दिता गया, यानी कि मजोरिटी रूल होएगा. सेकेंड थिंग की है कि जिहड़े वाइट पीपल सीगे उन्हां नूं जिहड़ा हैगा सीगा कि साडी प्रॉपर्टी ना चली जाए, दैन उन्हां नूं इनश्योर किया गया कि तुहाडी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके दे नाल असीं वापस नहीं लवांगे, जिहड़ी प्रॉपर्टी तुहाडे कोल आ तुसीं उहदे मालिक बने रहोगे. नैक्सट है बेटा, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਪੀਪਲਸ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ. ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਹੋਣਗੇ
नैक्सट फ्यूचर दे विच उन्हां नूं किवें चुनिया जाएगा और रूलर जिहड़े ने उह किवें काम करने। ठीक है, ये उन्हां नूं इनश्योर किया गया कि यह नहीं होएगा कि जिदा वाइट पीपल्स अपनी मर्जी नाल काम करते रहे, एवें दा कुछ नहीं होएगा। लोग अपनी मर्जी दे नाल अपने रूलरस नूं चुनणगे और मर्जी दे नाल उन्हां दे अकॉर्डिंग वह काम करनगे। ये सारा कुछ रूल्स लिखे गए कि जिहड़ी सरकार चुनी जाएगी वह किवें काम करेगी। ठीक है, और किहड़े काम आ जिहड़ी सरकार नहीं कर सकेगी, ये भी नाल दी नाल लिखिया गया। ठीक है, और इस इहदे नाल ही कुछ जिहड़े सिटीजन सीगे जिहड़े उन्हां दे राइट्स भी डिसाइड किए गए कि उन्हां नूं किहड़े किहड़े राइट्स मिले होणगे। ठीक है, नैक्सट है बेटा कहिंदे कि ये राइट्स जिहड़े ने उह तां ही काम कर सकते ने, रूल्स तां ही काम कर सकते ने जेकर जिहड़ी भी पार्टी जितदी है वह अपनी मर्जी दे अकॉर्डिंग इन्हां नूं मोल्ड नहीं करदी, इन्हां च चेंजेस नहीं लैके आउंदी। सो ये भी एक तरीके का एक लॉ बना दिता गया कि इन्हां रूल्स नूं कोई भी आने वाली गवर्नमेंट जिहड़ी उह चेंज नहीं कर पाएगी। इन्हां दा प्रोसैस जिहड़ा चेंज दा प्रोसैस है, अमेंडमेंट दा प्रोसैस सीगा, उहनूं काफ़ी टफ किया गया। और बेटा अपने जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिहड़ा इह प्रोसैस आपां कोल हैगा है, ठीक है, कि आपां अमेंड कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नूं, वह आपां साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन तो ही लिया है। ठीक है, नैक्सट है बेटा कि इवें दे कुछ रूल्स बन गए और उन्हां रूल्स नूं लिख लिया गया और इहनूं आपां की कह दिंदे आ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी नाल दी नाल इंश्योर किया गया इन्हां रूल्स नूं कोई भी आने वाली गवर्नमेंट जिहड़ी उह चेंज नहीं कर सकेगी, तां कि दोनों पार्टीज़ दे विच दोनों जिहड़े वाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स ने उन्हां दे विच जिहड़ा फेथ है जिहड़ा उन्हां दा यकीन है इक दूजे ते बणिया रहे। ठीक है, कहिंदे कि कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जिहड़ी साउथ अफ्रीका विच होई कोई यूनीक चीज़ नहीं हैगी, बहुत सारे देश ने जिन्ने भी देश ने कोई पार्टीज़ ने कोई एसोसीएशनस ने कोई क्लब है वह सारे के सारे लोग जड़े ने अपने ऑर्गनाइजेशन चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स में जो लिख लिया जाता है उन्होंने आप कहें कॉन्स्टिट्यूशन कहने। ठीक है, सो इस तरह का रूल्स जोड़े थे और लिखे गए साउथ अफ्रीका दे विच और इन्हों ही कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। और इन्हों जो रिलेशनशिप हैगा वाइट्स का और ब्लैक पीपल्स का उन्होंने मेनटेन करने की प्रॉपर कोशिश की गई और मेनटेन करने के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल्स जोड़े गए बनाए गए ताकि सारे के सारे लोग जड़े ने सैटिस्फाइड रह। ठीक है, नैक्सट है बेटा कहिंदे कि कॉन्स्टिट्यूशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सैट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सैप्टड बाय ऑल पीपल्स लिविंग टूगैदर इन अ कंट्री। ठीक है, वह वाले रूल्स जिहड़े कि एक कंट्री रहने वाले सारे के सारे लोग जिन्होंने एक्सैप्ट करते पे मानते पे ने रूल्स जिहड़े ने उन्होंने आप कह दें जो रूल्स आप इकट्ठे करके लिख लें दैन उन्होंने आप कहने कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते एक सुप्रीम लॉ होंदा है जिहड़ा कि लोग जिहड़े लोग रहिंदे ने देश दे विच उन्हां दे अपने परसनल रिलेशनशिप नूं डिटरमाइन करता है और इहदे नाल दी नाल जिहड़ी गवर्नमेंट है गवर्नमेंट और पॉपुलेशन है जिहड़ी जिहड़े लोग ने और जिहड़ी सरकार है उन्हां दे विच दे रिलेशनशिप नूं भी डिटरमाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है उहदे विच कहिंदे कि की हुंदा है, फर्स्टली की कहिंदे आ कि इह कॉन्स्टिट्यूशन दी की इंपोर्टेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट किहदे विच करता है, एक कह सकते आपां कि जिहड़े एक लोग ने उहनां दे आपस विच जिद्दां ब्लैक और वाइट पीपल सीगे उहनां विच ट्रस्ट क्रिएट किया गया कि इन्हां रूल्स नूं हुण लिख लिया गया इन्हां ते यकीन कर सकदे आ। ठीक है, और ये कदा करके होया कॉन्स्टिट्यूशन का करके होया। ठीक है, और इस तरीके एक तरीके का ट्रस्ट जिहड़ा है ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जिहड़ा है लोगों के बिठाउंदा है तां कि वो इकट्ठे होकर रह सकन। सैकेंड पॉइंट है कि ये जिहड़ी गवर्नमेंट लोगों नूं दसदा है जां स्ट्रक्चर दिंदा है कि जिहड़ी गवर्नमेंट है वह किवें बनेगी और वह किवें काम करेगी, अपनी पावर नूं किहड़े तरीके नाल यूज करेगी, किहड़े डिसीजनस वह लै सकदी है। थर्ड की है कि गवर्नमेंट दी जिहड़ी पावर्स ने वह अनलिमिटेड नहीं है, उन्हां नूं लिमिटाइज करदा है, उहदे रिगार्डिंग रूल्स जिहड़े ने वह भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखे जांदे ने कि जिहड़ी गवर्नमेंट होएगी और उहदे ते किहड़े किहड़े जिहड़े ने वह लिमिट्स किहड़ियां किहड़ियां होणगियां, गवर्नमेंट किहड़ा काम कर सकदी है और किहड़ा नहीं कर सकदी। लास्ट वन की है कि इहदे थ्रू जिहड़े लोगों की एस्पीरेशनस यानी कि लोगों दी इच्छावां जिहड़ियां ने वह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही लोगों का जिहड़ियां इच्छावां उन्हां दी दा प्रगटावा किया जाता, उन्होंने एक्सप्रैस किया जाता है। क्योंकि देखो सपोज करो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि सब इक्वल होणगे दैन ये सारे लोगों की एस्पीरेशन है कि सारे इक्वल हो। ठीक है, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह की है लोगों की जो एस्पीरेशनस ने इच्छावां ने कि चंगी एक वधिया सोसायटी किवें बन सकती है उन्होंने भी एक्सप्रैस करता है। सो अगर आप गल करिए दैन अज के टाइम विच मोस्टली सारे के सारिया कंट्रीज जिहड़ियां ने उन्हां दे कोल जिहड़ा है वह कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वह हैगा है, भावें वह डेमोक्रेटिक ने जां वह नॉन डेमोक्रेटिक ने। ठीक है,
ਬਟ ਸਭ ਦੇ ਅੱਜ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਨਾਰਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।